हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं चेहरे पे मुस्कान कुछ बढ़ गई होगी और गुस्सा कुछ कम हुआ होगा। नहीं हुआ तो आज मैं आया हूं ना। अभी तक हमने बात की थी कि गुस्सा क्या है, गुस्सा क्यों आता है, गुस्से से क्या क्या नुकसान होते हैं। आज है टॉपिक की बात कि गुस्से को कैसे रोका जाए, रेमेडीज क्या है। दोस्तों, अभी तक चार तरह की रेमेडीज हम लोग देख रहे थे, जैसे कि वैदिक तरीके से कुछ लोग गुस्सा कम करने के लिए हमारे कुछ धर्म गुरु वगैरह समझाते हैं, कुछ संत महात्मा समझाते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हमारे को समझाते हैं किस तरीके से हम गुस्से को कम कर सकते हैं, कुछ साइंटिफिक तरीके हैं गुस्से को कम करने के और कुछ स्पिरिचुअलिस्टिक तरीके हैं गुस्से को कम करने के। दोस्तों, मैं इन चारों में से कोई भी नहीं हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बेनिफिट ले लिया, इन चारों के कॉन्क्लूजन को इकट्ठा करके मैं आप तक लाया। आज पहला जो आपको रास्ता बताने जा रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे आपको बताने जा रहा हूं। द फर्स्ट स्टेप इज, आपने अभी तक लिख लिया होगा गुस्सा क्यों आता है। अब हम एक काम करेंगे, एक नॉर्मल सा टॉपिक लेते हैं। जनरली अगर हम किसी भी घर में देखें, हस्बैंड वाइफ के नोकझोंक हर जगह चलती है, इसको आप गुस्सा कह सकते हैं, नोकझोंक कह सकते हैं या झगड़ा कह सकते हैं, हर घर में होता है। आप क्या करें, कई बार लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, क्या करें, हर रोज साथ में रहना है, रिश्ता तोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर गुस्सा एक बीमारी है, पर आप बताओ क्या आपने एक्सेप्ट किया है कि गुस्सा एक बीमारी है। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं आपको एक कैप्सूल देने जा रहा हूं, वो कैप्सूल जरूर खा लेना। वो कैप्सूल क्या है दोस्तों, एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका आपके लिए ढूंढ के लाया। थ्योरिटिकल बहुत सुने होंगे आपने, एक प्रैक्टिकल तरीका ढूंढ के लाया हूं। हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, गुस्सा तो बहुत कारणों से आता है, हम हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं। एक काम करिए, एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि मुझे मेरी बीवी के किन किन एक्टिविटीज की वजह से गुस्सा आता है। लिख लीजिए, वो फेसबुक बहुत चलाती है, वो हर समय व्हाट्सएप पे लगी रहती है, वो बहुत खर्चा करती, बहुत चिल्लाती है, हर समय डांटती रहती है, मुझे मेरे फेवरेट सीरियल देखने नहीं देती है, मुझे मेरा फेवरेट खाना नहीं देती है, व्हाटएवर। मुझे पता है बहुत सारी लिस्ट आप लिख लेंगे, मैंने भी लिखी है बहुत सारी लिस्ट, लिख लीजिए। नाउ स्टेप नंबर टू, अब दो चीजें हैं। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि एक एक करके अपनी वाइफ की कमियों को, जो कमी आपको कमियां लग रही हैं, हो सकता है वो क्वालिटीज हो आपकी नजर में जो कमियां हैं, अब हम एक एक करके उसको सॉल्व करें, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है पॉसिबल क्या है, अब मैं आपको एक स्पिरिचुअलिस्टिक तरीका बताता हूं जो कि अध्यात्म हमारे को बताता है। अध्यात्म हमें बताता है, हमारे साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी कमियों से भी प्यार करना सीखिए। प्यार तो किया लेकिन कमियों से और ज्यादा नफरत कर ली हमने। और एक तरीका है, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर तो परिवार चलाना है, अगर तो सुखी सुखी जीना है, 25-30 साल की एज हो गई है, 30-40 साल और बचे हैं, खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है, तो ये कैप्सूल खाना पड़ेगा। हो सकता है आप मुझे, मैं जो ये सारी चीजें बता रहा हूं, आप मुझे कहो ललित ये तो बोलना बहुत, कैमरे के आगे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूं करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि जिंदगी हमारी। एक जगह पर, एक पेपर पर सारे आपने लिख ली एक्टिविटीज जो आपको पसंद नहीं है, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप, एकांत में जाइए, कमरे में जाइए, कमरा बंद करिए, उस भगवान का नाम लीजिए, उस जीसस अल्लाह भाई गुरु जिसको आप मानते हैं उसका नाम लीजिए और एक्सेप्ट करिए कि मैं अपनी वाइफ की इन कमियों को, इन एक्टिविटीज को एक्सेप्ट करता हूं। आई एक्सेप्ट इट फुली एंड कंप्लीटली, मैं अपने पत्नी के इन दोषों को दोष ही नहीं मानता आज से, क्योंकि मुझे सुखी सुखी जीना है, मुझे हंसते हुए जीना है। पहला काम किया आपने, एक्टिविटीज लिखी जो आपको पसंद नहीं है, दूसरा काम किया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल है यार, तू बोल तो रहा है ललित, जब बीवी चिल्ला रही हो क्या करें, कोई बात नहीं, उसका भी रास्ता बता रहा हूं, जरूरी नहीं बीवी चिल्ला रही हो, प्लीज डोंट माइंड, पति ज्यादा चिल्लाते हैं कई बार, हर आदमी अलग है, हर एक पर्सनैलिटी अलग है।
सो आपने सबसे पहले नाम वो एक्टिविटीज लिखी, उसको एक्सेप्ट किया पूरे तरीके से, और उसके बाद अब ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों हम सबके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं, अब इन एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए मैं कौन सी पॉजिटिव इमेज दे सकता हूं। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को निकालिए। क्या जब मेरी वाइफ बहुत गुस्से में बोल रही है, क्या मैं सुन सकता हूं? क्या मैं थोड़ी देर सब्र करने की क्वालिटी रख सकता हूं? यहां पर ईगो सामने आती है, आई एम अ मेल मेंबर, मैं क्यों सुनूं? यस, मेरे अंदर भी आती है, आई एम अ मेल मेंबर। यहां पर अहंकार आता है, जैसा मैंने पहले बताया था, तीन वजहों से गुस्सा आता है, आपको याद होगा। पहला वो इच्छाएं जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं हुई, दूसरी वो इच्छाएं जिनके लिए मेहनत करनी ही छोड़ दी और इच्छाएं अभी भी हमारे दिमाग में है, और तीसरा अहंकार। यहां पर अहंकार बीच में आता है, छोड़ना पड़ेगा, आसान नहीं है, बट ये कैप्सूल तो खाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आई एक्सेप्ट इट फुली एंड कंप्लीटली। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, अपनी वाइफ की सारे दोष भूल रहे हैं, और उसके बाद अब मैं उसको काउंटर करने के लिए अपने आप में क्या क्या डेवलपमेंट्स कर सकता हूं वो मुझे करने होंगे। मुझे अपनी पॉजिटिव चीजों को निकालना होगा, और जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चीजों को बाहर निकालूंगा, उसके दोषों को भूलूंगा, मेरा एटीट्यूड, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर बदलता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाइफ बदल जाएगी, वो वैसी है, लेकिन उन हालातों को मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। एक बड़ी अच्छी बात है, डोंट रिएक्ट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड। अगर आपने सुना, जिन बातों पर पहले मुझे गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मेंटली कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैंने उसकी उस कमियों को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब वो कमियां दिखाई ही नहीं देती। इससे क्या होगा, मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी, मेरा बिजनेस इंप्रूव होगा, मेरे परिवार में सुख शांति आएगी, और धीरे धीरे जब मेरे अंदर चेंजेस आएंगे, मेरे चेंजेस को देखकर मेरे लाइफ पार्टनर को भी समझ में धीरे धीरे आएगा। दोस्तों ये सबसे पहला तरीका है, और ये सिर्फ मैंने हस्बैंड वाइफ का बताया, आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी कर सकते हैं। राइट डाउन ऑल नेगेटिव एक्टिविटीज, और उसको एक्सेप्ट करके उन एक्टिविटीज को दूर करने के लिए मैं पॉजिटिव क्या कर सकता हूं, क्या मैं अच्छे से उनको समझा सकता हूं, बजाय इसके कि मैं चिल्लाकर उनकी कमियां उन्हें बताऊं, क्या मैं प्यार से बैठ के कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो ये मेरी क्वालिटी है, मुझे अपनी क्वालिटीज को डेवलप करना है। सो फ्रेंड्स, ये था पार्ट नंबर वन, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, कंट्रोल करना होगा इस बीमारी पर। 600 करोड़ लोग जल रहे हैं इससे, और पता भी नहीं है, और कितने लोग जलेंगे। इसको कंट्रोल करना होगा, इस मैसेज को पहुंचाइए, जितने लोगों को आप जानते हैं उन तक पहुंचाइए, मेरे फायदे के लिए नहीं, उन सबके परिवारों के लिए, उन सबके बिजनेसेस को बचाने के लिए। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे फेसबुक को लाइक करिए, और दोस्तों अगले एपिसोड में ऐसे कई सारे और रेमेडीज लाने वाला हूं, प्लीज देखते रहिए। थैंक यू।